जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था के संस्थापक व अध्यक्ष नीलेश शिव भगवान सांबरे ने अपनी जिजाऊ विकास पार्टी बनाकर भिवंडी लोकसभा सीट पर स्वयं उम्मीदवारी करने की आज घोषणा कर दी है। यही नहीं, पालघर, कल्याण, ठाणे, रत्नागिरी सहित कुल 5 लोकसभा क्षेत्रों में भी अपने पार्टी के उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेंगे। भिवंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में नीलेश सांबरे की अधिक पकड़ होने के कारण आगामी 20 मई को होने वाले चुनाव अब त्रिकोणीय बन चुका है। भाजपा महायुति ने सांसद व केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल को तीसरी बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं पर राकांपा कांग्रेस और शिवसेना की इंडिया गठबंधन ने सुरेश महात्रे उर्फ बालिया मामा को टिकट दिया है। आज 9 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे इंडिया अलायंस और महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां एमवीए के सभी नेता मौजूद थे। वहीं आज भिवंडी लोकसभा की सीट पर एनसीपी शरद पवार गुट की मुहर लग गई और अब साफ हो गया है कि भिवंडी लोकसभा सीट एनसीपी शरद पवार को मिल गई है और उम्मीदवार बालिया मामा है। कल देर रात भिवंडी के ग्रामीण इलाके पड़घा पुलिस की हद में महुली गांव पेट्रोल पंप के पास करीब 20 गोदामों में भीषण आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि इसने 20 गोदामों को अपनी चपेट में ले लिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही भिवंडी और कल्याण दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम दोपहर तक शुरू था। वहीं बताया जा रहा है कि इन गोदामों में प्लास्टिक, लकड़ी, फाइबर, शादी और दूसरे इवेंट में इस्तेमाल होने वाली सामग्री रखी हुई थी। भिवंडी के पिंपलास गांव की एक जमीन पर पतरा शेड कब्जा कर फर्जी तरीके से ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा घर पट्टी बनवाकर बिजली कनेक्शन लेने का मामला प्रकाश में आया है। कोनगांव पुलिस ने इस मामले में बेचन प्रसाद सुखराम गुप्ता की शिकायत पर टेमघर के रहने वाले मगन पांडुरंग चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 447, 448 के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक टेमघर निवासी मगन पांडुरंग चौधरी ने पिंपलास ग्राम पंचायत के पुराने सर्वे नंबर 188, नए सर्वे नंबर 102/2 और 103/1 जो जमीन बेचन प्रसाद गुप्ता की थी, उस जमीन को ग्राम पंचायत कार्यालय से घर नंबर 788 लेकर घर पट्टी बनवा ली और उसी घर पट्टी के आधार पर टोरेंट पावर से नया बिजली कनेक्शन ले लिया और गुप्ता की जमीन पर अपने नाम का बोर्ड लगाकर पतरा शेड व खाली पड़ी जमीन को जबरन कब्जा करके दूसरे व्यक्ति को भाड़े पर दे दिया, जिसकी शिकायत गुप्ता ने कोनगांव पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया है। पुलिस ने मगन पांडुरंग चौधरी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भिवंडी के एक वेयरहाउस से 55 लाख के सिंथेटिक रबर वुड्स व नेचुरल रबर वुड्स के माल बिक्री कर व्यापारी के साथ धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। नारपोली पुलिस ने इस मामले में व्यापारी जिंगर विपिन शाह की शिकायत पर जयंतीलाल ढेंडिया और जयेश जयंतीलाल ढेंडिया के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक रहनाल गांव रोड पर जयंतीलाल ढेंडिया और जयेश जयंतीलाल ढेंडिया का जयेश स्टोरेज नामक वेयरहाउस है। इस वेयरहाउस में मुंबई के रहने वाले जिगर शाह ने सिंथेटिक रबर वुड्स व नेचुरल रबर वुड्स के कुल 55,37,908 रुपए का कच्चा माल रखा हुआ था, किंतु वेयरहाउस के मालिक जयंतीलाल ढेंडिया और जयेश जयंतीलाल ढेंडिया ने आपसी साठगांठ कर अपने आर्थिक फायदे के लिए कच्चे माल की बिक्री कर दिया है और व्यापारी शाह के साथ धोखाधड़ी की है।